नमस्कार। ये क्वेश्चन हमारे पास सिंपल एप्टीट्यूड से है। अब हमें निकालना क्या है उस पर फोकस करना होगा। हमें लॉग पी क्यू आर टू द बेस एस निकालना है, क्योंकि बेस एस है तो, और आंसर अगर कुछ न्यूमेरिकल दिया है तो हमें पता है कि अंदर कुछ ना कुछ तो एस का पावर आना चाहिए। लेकिन अंदर लिखा हुआ है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर को एस के टर्म में लिखना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पी क्यू आर अलग से तो गिवन नहीं है, तो उसके लिए सेपरेट पी क्यू आर निकालना हो। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, ये इंडिविजुअल इक्वेट तो हम कर सकते हैं ना। पी क्यू को एस पावर सिक्स से इक्वेट कर दिया, दोनों तरफ पावर वन बाई थ्री ले लिया, तो इधर पी मिल गया, इधर एस का पावर वन बाई थ्री हो जाए, एस पावर सिक्स का पावर वन बाई थ्री, सो पी बिकम्स इक्वल टू एस स्क्वायर। सिमिलरली अगर बात किया जाए तो हम सेम काम कर सकते हैं क्यू और आर के साथ, तो क्यू पावर आर बराबर एस पावर सिक्स। हमें क्यू को अकेला रखना है, तो क्यू विल बी एस पावर सिक्स होल पावर वन बाई फोर, तो Q will be S power 2 3 is a 6, 2 2 is a 4. Next will be R power 5, R को लिखना है S के terms में, so your R will be power 1 by 5 both sides, so S power 6 by 5. P मिल गया, Q मिल गया, R मिल गया, कुछ नहीं करना है, log वाले equation में रख दो, sorry, log वाले expression में रख दो, so log base है S, अंदर है P times Q times R, तो P तो है S square, Q तो है S power 3 by 2, और R तो है S power 6 by 5, base से मैं power आपस में add हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, S के power में 2 बाई थ्री, यहीं पे कर लेते हैं, लॉग बेस एस, एस के पावर में 2 प्लस 3 बाई 2 प्लस 6 बाई 5, सो दिस विल बी लॉग, एंड एलसीएम 10 ले सकते हैं, तो एस पावर में 10 एलसीएम, सो दिस विल बी 20 प्लस 15 प्लस 12, तो 32 पांच 37 और 47, 47 by 10, तो log का प्रॉपर्टी पता है ना, log टू सम बेस, ये अगर m है और m का पावर n है, ठीक है, तो ये चीज पावर जो होता है वो सामने आ जाता है, तो हमारे पास m log m टू द बेस है। ये बचपन से आप बहुत बार करते आ रहे होंगे, ठीक है, पावर में n है तो n सामने आएगा, तो n यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पावर में क्या था, 47 by 10, एक बार और लिख देते हैं, ये है s का पावर 47 by 10, तो ये सामने आ जाएगा, so we'll be getting 47 by 10 और log s to the base s, हमें पता है कि log a to the base a 1 होता है, so ठीक है, 47 by 10 is what we are getting, और ये है हमारा डीओ। ये क्वेश्चन तो करना ही चाहिए था एटलीस्ट, बाकी क्वेश्चन हो ना हो वो बाद की बात। बहुत बहुत धन्यवाद।